Ayy, had to tell her she should act right. She just wanna talk about the time we had last night. I never been bad for your feelings. The way she suck my spine is a spiritual healing. So hey guys, good morning and welcome back to my channel and I'm Chinchal Asha. So अब हो रही है मॉर्निंग, मॉर्निंग के हो रहे होंगे 8:20 या 21:21, 8:21 हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे रूम में वॉच नहीं है बिकॉज टूट गई और आज से मेरे कंटिन्यू व्लॉग होने वाले हैं, तो देखते हैं आज के व्लॉग में क्या होता है क्या नहीं होता है। फ़िलहाल मेरा काम हो चुका है, पूरा नहीं हो चुका है मेरा काम, मतलब हो चुका है, नीचे वाले फ्लोर का काम हो चुका है। मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, ठीक है, जो मेरी किचन है वो नीचे है ग्राउंड फ्लोर पे, तो नीचे का काम डन हो चुका है। अब मैं ऊपर आ चुकी हूँ अपने रूम में, बहुत मैसी हो रहा है, बिस्तर बिस्तर सब फैले पड़े हैं क्योंकि मैं सुबह उठते ही नीचे चली जाती हूँ। तो काम वाम करके पानी लगा दिया है गर्म होने के लिए बाहर, फिर नहाएंगे धोएंगे फिर मिलते हैं। थोड़ा आज रूम की थोड़ा डीप क्लीनिंग करनी है और मेरे ट्राईपोड का ऊपर का हैंडल है वो मतलब थोड़ा सा टूट चुका है, ठीक है, तो वो टिक नहीं रहा है और मेन चीज़ ये है कि वो टिक भी जाता है थोड़ा, तो वो मेरे घर पे रह गया है। अभी जब मैं अपने घर से मतलब घर पे रहने गई थी तो मंगवाना पड़ेगा दोबारा नया, या फिर देखते हैं अभी उसी से जुगाड़ करते हैं, जुगाड़ू, ठीक है। तो ये मेरा बेड और मेरे बेड के पीछे है मेरा बर्थडे किट, यस। तो ये मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था मेरे बर्थडे पे, हाँ मेरे बर्थडे पे दिया था, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर में। सो है गाइस, यहाँ मैं नहा ली हूँ और मैंने हेड वॉश नहीं किया बिकॉज आज ट्यूसडे है और मैंने कल रात को ना ऑयलिंग कर ली थी, बहुत मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था ना इस वजह से, बट मुझे याद ही नहीं रहा कि मतलब आज ट्यूसडे है तो मैं ऑयलिंग करती ही नहीं, मैं खाली दवाई खा लेती, बट कोई नहीं, मेरे को हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है और मैं नहा के निकल चुकी हूँ। इस टाइम पर मैंने कुछ भी नहीं लगाया है और आप सब देख सकते हो कि मेरे स्कॉर्स कितने मतलब वो रखे हैं, मैं दिखाती हूँ अपनी, मेरी स्किन बहुत डैमेज हो रही है एक्चुअली ना, मुझे सीज़न जब चेंज होता है तो मुझे एलर्जी, सॉरी, तो मुझे छोटी छोटी चीज़ों से एलर्जी हो जाती है। तो यहाँ मैं अभी कुछ टिप्स फॉलो कर रही हूँ जो मैं आपके साथ फॉलो आई शेयर करती हूँ, सो लेट्स गो। सो दिस इज़ स्किन क्राफ्ट डार्क स्पॉट एंड ब्राइटनिंग सीरम है ये फेस सीरम, जो ये आपके पिगमेंटेशन जो होते हैं और डार्क स्पॉट जो होते हैं या फिर जैसे भी दाग धब्बे आपके चेहरे पे जो होते हैं ये मतलब क्लियर करने में बहुत हेल्प करता है। और मतलब मेरे को बहुत इसमें ना नियासिनामाइड होता है तो ये बहुत अच्छा होता है, जो कि आपके डार्क स्पॉट्स हो गए या फिर जैसे पैचेस हो गए, डार्क पैचेस वगैरह कुछ भी कह लो यार, एक ही बात है, ठीक है, तो उनको ये रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है, उनको लाइट करने में बहुत हेल्प करता है। सो वैसे मैंने ये पर्पल से परचेस किया है, आप इसकी वेबसाइट पर जाके भी इसको परचेस कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि ये आपकी स्किन के बारे में जानते हैं, आपसे आपके प्रॉब्लम्स के बारे में सोल्यूशन मतलब पूछते हैं आपसे कि आपको क्या दिक्कत है, काफ़ी सारे ऑप्शंस वगैरह और आते हैं, उसके बाद फिर आपको वो टिक मार्क वाला जिस टाइप उसको आपको फॉलो करना होता है और फिर आपके स्किन के अकॉर्डिंग कि आपकी स्किन में क्या प्रॉब्लम है फिर ये आपको जो भी सूटेबल होता है, मॉइस्चराइजर हो गया, क्लिनजर हो गया या फिर फेशियल सीरम हो गया, एनीथिंग जो भी आपकी स्किन के हिसाब से, तो ये आपको वो रिकमेंडेड करते हैं। तो मुझे ये दो चीज़ हुई थी, नाइट वाला सीरम और एक ये, ठीक है। सो मैं इसको डेली यूज़ करती हूँ फिलहाल, अभी इसको सिर्फ मेरे को 15 डेज़ भी नहीं हुए हैं, यस 15 डेज़ भी नहीं हुए हैं, बट पहले से मेरे स्पॉट्स बहुत लाइट हैं, तो मैं इसे सिर्फ और सिर्फ अपने फेस पे लगाती हूँ और इसको आपको आधा घंटा रखना होता है आपके फेस पे, यस आपको इसको आधा घंटा लगाने के बाद ना कुछ भी नहीं लगाना होता, कुछ भी आपको सिर्फ इसी को लगा के छोड़ना होता है। और अगर आप इसे कंटिन्यू लगाओगे ना तो आप खुद रिज़ल्ट देख सकते हो अपने चेहरे पे, मतलब मुझे तो पहले से बहुत आया क्योंकि बिकॉज ये जो आप देख रहे हो ना डॉट 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 ये अभी लाइट हुआ है, बिकॉज पहले ये पूरा मतलब बहुत ज़्यादा ना बड़े बड़े चल जाते वो हो गया था, क्योंकि विंटर जैसे सीज़न चेंज होता है ना या फिर गंदा पानी फेस पर लग जाता है
तो मैं घर का काम करती, जैसे पोछा वोछा लग गया या फिर गंदा हाथ कभी पोछ दिया या फिर कुछ यार नहीं ध्यान रहता ना काम करते वक्त, तो मुझे उस चीज़ से एलर्जी हो जाती है। तो ये वहीं पे ही मेरे ना दाना निकल जाता है, मतलब पिंपल कह लूँ, हाँ तो वो हो जाता है मुझे, तो उससे मुझे बहुत दिक्कत होती है। मैं आधे घंटे बाद अपना मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, ये है गुड वाइब्स का रोज़ हिप, ठीक है, फेस मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है। यस, आप मेरी हर वीडियो में आप इसको देखोगे कि मैं इसको ही अप्लाई करती हूँ, या फिर इसका जो फेशियल ऑयल है या फेशियल सीरम कह लो रोज़ हिप का, मतलब मेरा मोस्ट फेवरेट कहते हैं ना, वन ऑफ द, मतलब मुझसे कोई कहे कि आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़र करने वाला ऑयल कह लो, फेशियल सीरम कह लो या क्रीम कह लो, वन ऑफ द बेस्ट रोज़ हिप। ओके सो फाइन, यही था मेरा सिंपल, मैं भी इसी को फॉलो कर रही हूँ बिकॉज मेरे निशान है, उसके बाद मैं अभी कुछ भी नहीं लगाने वाली। ओ भाई कितनी ठंड हो रही है, अभी मैं छत पे कपड़े सुखाने गई थी, बहुत तेज हवा चल रही है, मैं जल्दी से कपड़े सुखा कर आ गई, अब मैं जा रही हूँ नीचे, एंजल को ब्रेकफास्ट कराना है और मुझे भी भूख लग रही है, मुझे क्या यार सबको भूख लग रही होगी, तो जाते हैं कुछ बनाते हैं, खाना बना हुआ है वैसे, बट ये मैं ऐसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक हाथ में फ़ोन है ना, तो इसलिए मारेगी मेरे को, तो चलो स्वेटर पहन लेते हैं फिर चलते हैं। हाँ भाई ठंड में कौन कौन दुपट्टा मैचिंग करके ओढ़ता है, मैं तो बिल्कुल नहीं ओढ़ती बिकॉज मैं कोई भी सूट के साथ सर्दियों में स्टॉल चला लेती हूँ। तो हम जा रहे हैं नीचे हमारे रूम की होगी सफाई, यहाँ पे हम लाइट ऑफ कर देते हैं, सो मैं अपने किचन में आ गई हूँ और भूख लग रही है तो चावल ग्राउंड कर रही हूँ। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये, क्या कर रही हो तुम किचन में, कुछ आ रहा है, और आई कुछ कर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हैं क्या छेड़ रही थी, क्या दिखा, अच्छा एंजल सीटी पे जाइए, आप फू नहीं ऐसे सीटी बजाओ, देखो पागल कपड़े सुखाने, तो चलो छत पे व्यू दिखाती हूँ। ये मेरा हॉल है, खाली पड़ा है, यहाँ पे मैंने रस्सी लगा रखी है और ऐसे लिया बस एम एंजल की बीमारी सुखाती हूँ, छोटी है ना अभी इस वजह से, तो मैं भी दिखाती हूँ यहाँ से। हाँ बहुत तेज़ चल रही है छत पे, कपड़े धो लिया है मैंने, ये यहाँ पे मेरा हवा के मारे सामान गिर पड़ा है, हाँ तो भी मेरे कपड़े तो कभी समेटने में नहीं आते, फैल पड़े पूरे, अभी दिखाते हैं ये पेड़ हवा चल रही है, पूरी छत भरी पड़ी है कपड़ों से पूरी, इना ये इधर भी कपड़े सूख रहे हैं, इधर भी कपड़े सूख रहे हैं, सब जगह कपड़े ही कपड़े, हवा चल रही है बहुत तेज़, धूप निकल नहीं रही है, सो हे गाइस गुड इवनिंग, और शाम के हो रहे हैं 6:20, मैं सो गई थी यार, कपड़े अपने सुखा के आई ना, फिर उसके बाद सो गई, नींद आने लगी, एंजल भी परेशान कर रही थी, फिलहाल चाय टाइम है वही है टी टाइम, तो भूख लग रही थी तो पहले रोटी खाई नहीं थी क्योंकि मॉर्निंग में चावल खाए थे जब, तो अभी मैं बना रही हूँ सैंडविच, दिस इज़ आर लिटिल ब्रेड, यस छोटी वाली ब्रेड होती है वो वाली, और इस पर मैं लगा रही हूँ घर का निकला हुआ मलाई एकदम फ्रेश, यस तो मैं ऐसे करती हूँ मलाई लगा लेती हूँ ब्रेड के दोनों स्लाइड्स पे, और जो भी बचा हुआ चिलगोजा होता है आलू का या फिर सब्जी होगा उसको अच्छे से मैश करके इस फिलिंग में और भर देती हूँ। ये हमारा सिंपल वाला है, पापा के लिए जो जाता है उसमें हरी मिर्ची जाती है भाई,
और अभी देखो गली में ना समोसे वाला आया था, तो मैंने एंजल के साइज के समोसे लिए हैं छोटे छोटे। तो चलो जब सैंडविच बन जाते हैं आपको दिखाते हैं। सो दर्द है सारे सब मिला नशे, एक तो ही नहीं आगे गाना नहीं आता, आगे गाना नहीं आता। सो दर्द है रहते सब मिला दिल नशे, एक तो नहीं। सो हे गाइस, मुझे ना आज आप लोगों से एक चीज़ क्लियर करनी थी। मैं एक वीडियो पोस्ट करूँगी नेल का, ठीक है। इट्स आर्टिफिशियल नेल्स जो मैंने अप्लाई किए हैं उस वीडियो में, और एक्चुअली क्या है कि उसकी मेरे से ना एक क्लिप डिलीट हो गई है और वो मुझे बैकअप में भी नहीं मिल रही है यार। नेल पेस्ट करते हुए जो वीडियो थी ना मेरी, मोस्टली सारी मतलब मैंने उसमें सारी वीडियो डिटेलिंग में समझाई है, हर चीज़ मतलब अच्छे से क्लियरली दिखाई है। बट तो जो हाँ मैं नेल पेस्ट कर रही हूँ ना, वो वीडियो मुझसे डिलीट हो गई है। सो उसके लिए प्लीज़ माइंड मत करना, वो कुछ इतना कोई डिफिकल्ट मेथड नहीं है। जैसे कि मैं जैसे जैसे स्टेप बताऊँगी बस आप वैसे ही फॉलो कीजिए, और उसके बाद आप उसके साथ जो ग्लू आएगा ना उसको आप बस लगा के डायरेक्ट अपने नेल्स पे और फिर वो पेस्ट कर दीजिए अपने नेल्स। तो ईजिली मुझे बहुत पसंद आए थे, बिकॉज वो एक हफ्ता मेरे प्रॉपर एक हफ्ते से भी ज़्यादा इनफेक्ट ना, मतलब आप 9-10 दिन मान के चलीजिए, यस मेरे हाथों पे एकदम अच्छे से स्टे रहे थे। मतलब मैंने सारे काम करे, पानी में काम करा, बस हाँ ये है कि अगर आप गर्म पानी में काम करोगे ना तो वो जल्दी छूट जाएंगे, बिकॉज मैं गर्म पानी में काम जैसे जैसे धीरे धीरे कर रही थी ना तो वो रिमूव हो गए थे। फिलहाल अभी मैंने कुछ टाइम पहले भी लगाए थे, तो मैंने एक हाथ के नेल्स मैंने आते ही रिमूव कर दिए थे। उसको मैंने थोड़ा गुनगुने पानी में, गुनगुने नहीं मतलब थोड़ा तेज गुनगुना था इतना कि मैं फील कर सकूँ कि मैं उसमें हाथ डाल के मतलब सहन कर लूँ। तो मैंने आके उसको अपना पानी गर्म करके पतीले में डाल के और अपना मतलब हाथ ऐसे डुबो के और छोड़ दिया था अच्छे से, मतलब जेंटली मसाज वगैरह करके, और सो ही मेरे नेल्स मतलब निकल गए थे। बट आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ मेरे ना नेल्स की, बट ये ग्लो नहीं निकली है। तो ये चीज़ मुझे इसमें अच्छी नहीं लगी है, यस मुझे इसकी बस यही चीज़ अच्छी नहीं लगी है कि हो सकता है मैंने अभी फाइल भी नहीं किया है तो इस वजह से मैं चेक करूँगी, बट अभी नहीं निकली है क्योंकि मैं ऐसे नॉर्मल गर्म पानी में भी काम करती, बट ये थोड़ा शाइन है, यस आप देख सकते हो कि नेल्स में ना शाइन हो रही है, तो मेरे नेल्स की ग्रोथ है। और मुझे ना थोड़ी सी दिक्कत इसीलिए भी हो रही थी जी, तो मुझे दिक्कत इसलिए भी हो रही थी क्योंकि ना मेरे नेल्स की ग्रोथ है ऑलरेडी, उसके लिए आपको नेल्स कट करने थे और मैं अपने नेल्स नहीं कट करना चाहती थी इसीलिए। सो चलो काम खत्म करते हैं सारा, ठीक है। आप भी अपना काम करो, मैं भी अपना काम करती हूँ। सब्जी बनानी नहीं है मुझे, तो बर्तन वर्तन पड़े हैं चाय के, एंजल आ जाएगी, फिर हम आपसे रात में मिलेंगे। मेरे फ्लोर पर जाके मेरे हस्बैंड से मिलवा सकती हूँ, देखते हैं अगर आए तो वो वीडियो में, हम रात में आज चलाते हैं तो फिर हाथ सेकेंगे। सो अभी के लिए बाय बाय। एंजल आ जा जल्दी आ, डुम 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 करो, गिर जाओगे ऐसे। सो गाइस इस टाइम पे टाइम हो रहा है 11:12, कमरे में जला रखी है आँच। तो ये व्लॉग में भी एंड करती हूँ, खाना वाना खा लिया है, एंजल गिर गई थी तो उसके होंठ पे लग गई है, मूड थोड़ा ऑफ है, तो बाय बाय, गुड नाइट।